डू यू नो एक्सेस वेट के बहुत से कारण हो सकते हैं, बट वन ऑफ द रीजन इज एक्स्ट्रा वाटर रिटेंशन। एंड वाटर रिटेंशन के भी बहुत से रीजन होते हैं, जैसे ब्लोटिंग या हॉर्मोनल इम्बैलेंसेज या और भी बहुत से रीजन। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम अपनी बॉडी में जो वाटर रिटेंशन उसको कैसे कम कर सकते हैं एंड हाउ वी कैन लूज वेट फास्टर। माई नेम इज जशन विजामी और हेल्थ कोच। पहले तो नीचे चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ऐसी बहुत सी वीडियोज ऑलरेडी आ चुकी हैं और आने भी वाली हैं, एंड हम साथ में मिलकर आपका फिटनेस गोल अचीव करने वाले हैं। ओके, पहले तो हम जान लेते हैं कि एक्चुअल में वाटर रिटेंशन होता क्या है। देखिए, हमारी बॉडी वाटर यूज करती है और जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है वो हम यूरिनेट से डिस्पोज कर देते हैं, बट काफी बार हमारे टिश्यूज वाटर स्टोर करने लग जाते हैं उन्हें एलिमिनेट करने की बजाय, तब हो जाती है वाटर रिटेंशन और उसकी वजह से हमारा वेट बहुत रैपिडली इंक्रीज होता है या बहुत ज्यादा ऊपर नीचे जंप करता है, एंड उसकी वजह से हमें बहुत बार ब्लोटेड भी फील होता है, अनकंफर्टेबल भी फील होता है। हम सब लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी के लिए वाटर बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट 70% ऑलमोस्ट हमारी बॉडी पानी से बनी है, पर हम में से कोई भी एक्स्ट्रा वाटर रिटेन नहीं करना चाहता, राइट? और वाटर के और भी बहुत ज्यादा रोल्स हैं हमारी बॉडी में, जैसे डाइजेशन, अब्सॉर्प्शन, टेम्परेचर रेगुलेशन, क्लिनजिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन। एंड अगर हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है हमें बहुत से इश्यूज भी आते हैं, हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा लो रहती है, हमारी स्किन के लिए अच्छा नहीं है, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बुरा होता है। पर आप कैसे चेक कर सकते हैं कि मैं हाइड्रेटेड हूँ? अपना पहले तो यूरिन चेक करिए। इफ इट इज क्लियर एंड इट इज नॉट येलो, इट मीन्स यू आर हाइड्रेटेड, एंड इफ इट्स येलो और वेरी डार्क येलो, यू आर वेरी वेरी डिहाइड्रेटेड। ओके, बट हाउ टू गेट रेड ऑफ वाटर रिटेंशन, राइट? बट देर आर सम वेज यू कैन फॉलो। नंबर वन बींग कार्डियो। थोड़ा सा आपको कार्डियो ज्यादा करना पड़ेगा। वेन एवर यू फील योर ब्लोटेड या वाटर रिटेंशन बढ़ रही है, गो फॉर लिटल बिट मोर ऑफ कार्डियो, जिससे आपका स्वेटिंग भी बहुत ज्यादा होगा तो यू लूज मच ऑफ योर वाटर थ्रू स्वेटिंग एंड यूरिनेशन। नंबर सेकेंड इज सोना बाथ। अगर आप आसपास अपने किसी क्लोजेस्ट जिम में जाके सोना बाथ ले सकते हैं, इट इज वेरी गुड टू लूज योर एक्स्ट्रा वाटर एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक। नंबर थर्ड इज यू हैव टू डिक्रीज योर सोडियम लेवल्स। मेक श्योर आपका सॉल्ट इनटेक बहुत ज्यादा ना हो, जिसकी वजह से वाटर रिटेंशन बहुत ज्यादा बढ़ती है। सो यू हैव टू कट आउट सॉल्ट फॉर लिटिल बिट टाइम। लास्ट इज यू हैव टू कट आउट रिफाइंड कार्ब्स एंड शुगर। रिफाइंड कार्ब्स और शुगर की वजह से हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा बढ़ती है, जिससे टिश्यू स्वेल होते हैं और वाटर रिटेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सो मेक श्योर यू कट आउट योर रिफाइंड कार्ब्स एंड शुगर। ओके, दीज आर द सिंपल वेज जिनकी हेल्प से आप अपनी वाटर रिटेंशन कम कर सकते हैं, एंड दे विल हेल्प यू अलॉट। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, जल्दी नीचे जाके लाइक कमेंट करिए एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। थैंक यू वेरी मच।